अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको सिखा रही हूँ बटर चिकन, और ये मेरा अपना स्टाइल है, अपने स्टाइल से मैं बना रही हूँ बटर चिकन। और इसमें मैंने रेड चिली डाली है, करी पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर और नमक, और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ये मैं डाल रही हूँ। इसे मैरिनेट कर लेती हूँ। इसे फ्राई करके तो फिर मसाला बनाऊंगी। अच्छा सा कलर आ गया, ऑरेंज रेड सा। अभी आग चला, मैंने स्टोव को ऑन कर दिया, और ये मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, हल्का सा ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी आप ले लो, मैंने इसे बनाया ऑलिव ऑयल से। और एक टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, और करी पाउडर टेबल स्पून, और एक टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला था, और जो खाने का चम्मच होता है तो वो भर के मैंने एक डाला था इसमें चिली पाउडर का। अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, और फूड कलर के फ्यू ड्रॉप्स वो मैंने डाले हैं। और ये मैंने लिया है चिकन थाई, तीन लिए थे, आधा किलो से ज़्यादा होगा। इसके साथ मैं बना रही हूँ चने की दाल कीमा, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये हल्का सा कुक हो जाए तो फिर इसका मसाला बनाएंगे। और ये मैंने बटर चिकन की ग्रेवी मसाला बना लिया है। इसमें मैंने प्याज लिया था, और लहसुन के सात जवे लिए थे, और 2 इंच तक मैंने अदरक ली थी, और एक प्याज लिया था इस साइज का, वो मैंने इसमें डाला है, और 2 टमाटर डाले तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। तो अभी मैंने इसमें टमाटर अभी डाले, अभी इनको मैं ग्राइंड करती हूँ, और फिर इससे हम बनाएंगे अपना मसाला। और ये साइड से फ्राई हो गया अभी, फिर मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए और आंच तेज कर ली थी। ये अगर मैंने इसे कवर कर लिया तो चिकन सारा पानी छोड़ देगा, तो ये बटर चिकन में ये सालन बन जाएगा इसका, इसलिए मैंने स्टोव की आँच तेज की हुई है, और ये फ्राई हो रहा है, और साथ में मैं इसका मसाला बना दूंगी। और जब बन जाएगा तो ये बटर मैं इसमें ऐड करूँगी।
और ये देखें चिकन पक गया, गल गए, चिकन फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। ये देखें ये जो बाकी कसर है वो मसाले में पक जाएगी इसकी। और ये रोटी के साथ भी लोग खाते हैं, तो मैं इसके साथ चावल बना रही हूँ, बासमती राइस बना रही हूँ। ये प्रेशर कुकर में डाल के, राइस कुकर में सॉरी, और इसे मैं बना दूँगी। इसमें टमाटर प्याज सारा कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया, और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिली पाउडर और करी पाउडर और नमक। तो ये मैंने हाफ हाफ टी स्पून लिया था, क्योंकि चिकन में भी डाला है फिर ज़्यादा हो जाएगा। जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें ये क्रीम में ऐड करूँगी, क्रीम ऑफ चिकन ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने चिकन अभी इसमें ऐड कर दिया, तो इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको क्रीम डालूंगी और पानी ठंडा कर जिसमें ग्रेवी चाहिए। ये देखिए, और ये मैं साथ बना रही हूँ कीमा चने की दाल। इसमें पहले मैंने कीमा डाल दिया है, सूंड पे जैसे चढ़ाते हैं गोश्त उसी तरह बना रही हूँ। और ये मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, तो ये बिल्कुल सारा कुछ इसमें गल जाएगा। ये मैंने डेढ़ प्याज डाला है और दो टमाटर डाले मोटे मोटे काट के, और इसमें मैंने दो कप पानी डाला है, 1 kg कीमा है, 1 kg कीमे है, और ये हरी मिर्च और लहसुन और क्या कहते हैं अदरक, तो इससे मैं इसका मैंने पेस्ट बना लिया, तो ये भी डालूंगी इसमें। और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ही बड़ा है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ये डाले करी पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैंने चिली पाउडर का डाला। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाले का ऐड कर दिया इसमें, बस अभी कुछ नहीं करना है, इसे पकने रहना है, और इसके बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चिकन भी बस पकने वाला है, और ये मैं इसमें हाफ कप चने की दाल अभी ऐड कर दूंगी ताकि कीमे के साथ ये गल जाए। इसका दूसरा तरीका भी होता है बनाने का, बॉईल करके दाल को पहले उबाल के और फिर कीमे में या गोश्त में चिकन में ऐड कर दो। आज मैं ऐसे बना रही हूँ तो अच्छी बनती है ऐसे में। और साथ में अपना पानी पी रही हूँ।
ओके अभी चिकन पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ग्रेवी बन रही है और छन्नी से छाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना स्टाइल अपने तरीके से आप बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आप बच्चों वाले हैं, छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो आप उनके लिए इसमें आलू भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। और ये वो क्रीम अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, एक कैन पूरा डालूंगी इसमें। थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। और ये मैंने क्रीम ऐड कर ली और साथ में एक गिलास मैंने पानी डाल दिया। अभी हम इसे पकाएंगे। थिक सी ग्रेवी इसकी बन जाएगी। अभी मैंने चखा है, थोड़ा सा नमक कम है, बाकी अच्छा बनाए। हल्का सा नमक डालती हूँ। और ये हाफ लेमन, ये मैं इसमें हाफ लेमन का जूस डालूंगी। राइस कुकर में मैंने छोटे वाले 4 कप चावल लिए थे और चावलों का यही हिसाब होता है कि 1 इंच पानी चावल से ऊपर होना चाहिए। 1 इंच जितना सा चावल में पानी ऊपर होना चाहिए, तो मैंने राइस कुकर में चावल बॉईल किए, छोटे वाले 4 कप लिए, तो यही उसका हिसाब होता है। और बहुत ही आसान है राइस कुकर में चावल बनाना। पतीले में फिर भी थोड़ा सा हिसाब करना पड़ता है पानी का, और राइस कुकर में तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई भी मिस्टेक हो सकती है। और ये रहा हमारा बटर चिकन तैयार है, और साथ में दूसरी कीमा और चने की दाल, वो हांडी बन रही है, उसका मैं आपको उसका लुक दिखाऊंगी। ये देखें, स्मूथ ग्रेवी तैयार हुई इसकी। कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना प्याज नज़र आ रहा है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। और ये मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, और गरम मसाला इसमें मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि इससे मुझे निकालना है विदाउट द गरम मसाला ये बटर चिकन। हाँ अपने लिए। हाँ तो अभी इस पर थोड़ी देर के बाद तरी भी आ जाएगी। और इसमें मैंने धनिया नहीं डाला, हरा धनिया, तो वो मुझे लगता है अगर मैं डाल दूँ इसमें तो वो सालन की तरह बन जाएगा, तो बटर चिकन की पहचान थोड़ी यही होती है। डन हो गया। कीमा और चने की दाल वो भी गल गई है,
दोनों चीज़ें। अभी मैं इसमें तेल डालूँगी और जो इसका पानी है वो मैं ड्राई कर लूँगी। दोनों चीजें गल गई। और ये राइस भी तैयार हो गए, कीमा और चने की दाल भी तैयार हो गई और बटर चिकन भी। ये देखिए कितने अच्छे बने, बिल्कुल खिले खिले बने। ये देखिए और ये मैं चावल के ऊपर डालूंगी फिश सोया सॉस लाइक ऐसे। अभी इसके ऊपर सालन जो मैंने बनाया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। बॉयल एग भी मैंने डाला है। और ये रहा चने की दाल और कीमा, मज़ेदार दोनों सालन तैयार हो गए एक ही टाइम पे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी हम खाना खाने लगे हैं। ये खाना हमारा तैयार हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी है, मैंने चखा है, मज़े का लग रहा है। और साथ में बॉयल एग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।